अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हमारे पास बेंजीन का रिएक्शन है हेलोजिनेशन। बेंजीन इंतहाई स्टेबल है लेकिन इसके कुछ रिएक्शंस हैं। सबसे पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि हम बेंजीन रिंग में हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बगैर ये रिएक्शन जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेंजीन रिंग में हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करना, दाखिल करना इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि हेलोजन एटम को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन से हो सकते हैं? FeBr3 और FeCl3। या सेकेंड डेफिनेशन ये है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन विद हेलोजन एटम इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन एटम है उसको आपने किसी हेलोजन एटम से रिप्लेस करना है, मतलब हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे हेलोजन लगा देना है। इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट को, हेलोजिनेशन। अब बेंजीन में 6 कार्बन के ऊपर, हर एक के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इन 6 में से किसी एक जगह पे हाइड्रोजन को आप हटा के उसकी जगह पे हेलोजन अगर लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हेलोजिनेशन कहेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम हेलोजन्स की देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे पास हेलोजन है। इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है। इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, हमारी बुक से लिखती है विगोरस रिएक्शन, और इतना जो है वो एनर्जी के लिहाज से बहुत तेज होता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह जो आयोडीन है ये बहुत स्लो, आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है बहुत स्लो है और फ्लोरीन के साथ बहुत फास्ट है। तो इन फ्लोरीन वाला फास्ट होने की वजह से, आयोडीन स्लो होने की वजह से इसको हम फिर ज्यादा जो है वो नहीं करते। ज्यादातर जो हम करते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जो है वो वाला रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो कंट्रोलेबल होती है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास नंबर 1 के, ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, यहां से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। सपोज मैं ऊपर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक ब्रोमीन एटम, ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है Br2, यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास? HBr बन जाएगा प्लस। अब जहां से हाइड्रोजन एटम उतारा है वहां पे ये बॉन्ड फ्री हो गया, उसकी जगह पे यहां से एक ब्रोमीन एटम तो उतर गया, एक रह गया, वो आके इधर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। सेकंड में क्या है, अब ब्रोमीन की बजाय क्लोरीन, क्लोरीन का एक एटम और यहां से एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे हमारे पास? HCl। और जहां से हमारे पास हाइड्रोजन उतरा था वहां पे आके एक क्लोरीन एटम अटैच हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन जो है क्या ऐसे सिंपलेस्ट है? इसके लिए एक मैकेनिज्म है हमारी बुक में, हम उसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है? मैकेनिज्म से मुराद अगर उर्दू में कहें तो तरीकाकार, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन रिएक्शन की, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन कंप्लीट रिएक्शन की, वो क्या कहलाता है हमारे पास? मैकेनिज्म कहलाता है। मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का प्रोड्यूस होना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का लफ्जी मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, और स्पीशी इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या कहलाता है? उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीन या क्लोरीन में से किसी एक का ही मैकेनिज्म हम पढ़ लेते हैं। क्लोरीन का अगर हम पढ़ते हैं तो क्लोरीन जो Cl2 मैंने लिखा, मैं समझाने के लिए इस तरह लिख देता हूं, Cl बॉन्ड Cl प्लस FeCl3। पहला स्टेप क्या होगा, यहां पर जो क्लोरीन है, चले मैं सपोज इसका इलेक्ट्रॉन डॉट से और दूसरे का क्रॉस से लिख देता हूं, ये साथ वाला क्लोरीन क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन भी और इसका इलेक्ट्रॉन भी लेकर यहां सर इसके पास आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? FeCl3 पहले है, एक और आ गया, 4 हो गए FeCl4,
ऊपर चार्ज आ गया माइनस का। माइनस का चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये वाला क्लोरीन अपने साथ दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ले गया था, इस वजह से। अब जो एक क्लोरीन इधर बच गया प्लस, ये बच गया सीएल और इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ही तो लेके गया था क्लोरीन, तो इस वजह से ये वाला जो क्लोरीन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है असल में इलेक्ट्रोफाइल ये है, इलेक्ट्रॉन जो है लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, सीएल पॉजिटिव है। अब ये याद रखना है, ये बार दफा ना एमसीक्यूज में भी आता है कि हैलोजिनेशन में जो हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो एक्चुअल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सीएल पॉजिटिव, सीएल नेगेटिव या सीएल टू लिख दे या सीएल के ऊपर डॉट लगा दे, तो याद रखें सीएल पॉजिटिव, क्योंकि हम अक्सर जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं क्लोरीन के तो वो क्लोरीन के नेगेटिव फॉर्म वाले ही रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे क्लोरीन पॉजिटिव की शक्ल में है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे कि जो एक्चुअल या एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा लफ्ज एक्टिव भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा होता है? अगर क्लोरीन के साथ पढ़ रहे हो तो सीएल पॉजिटिव होगा, और अगर ब्रोमीन के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर बीआर पॉजिटिव होगा। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा? किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को ढूंढेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसके साथ ये बांड बनाने की कोशिश करेगा। तो अब बेंजीन है हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। रिएक्शन किसके साथ होता है? बेंजीन के साथ। अब बेंजीन हमें पता है कि इसमें तीन डबल बांड है और इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं, तो बेंजीन के ये जो डबल बांड है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ये वाला स्टेप असल जो है समझने वाला है, यहां पे बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास ये वाला जो डबल बांड है, सपोज यहां से मैं कहता हूं कि इसने भाई अटैक किया इस क्लोरीन के ऊपर। अब यहां पर हमारे पास ये बेंजीन रिंग आ गया और ये पहला डबल बांड, ये दूसरा डबल बांड, ये जो तीसरा डबल बांड है यहां पे चेंज आएगा। ये डबल बांड वाले जो इलेक्ट्रॉन है एक डॉट में और एक क्रॉस में, तो यहां पे जो ऊपर वाला कार्बन है ये नीचे वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने पास, उसका अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास है लेकिन नीचे वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को दे दिया, और इसके साथ इसका ये हाइड्रोजन भी निकाल के हम लिख देते हैं। अब नीचे वाला जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो नीचे वाला कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब डबल बांड नहीं लगाना आपने, चलिए मैं इधर ना समझाने के लिए अलग से लिख देता हूं। ये कार्बन डबल बांड, कार्बन बांड हाइड्रोजन, इधर भी बांड और इधर भी, और ये बांड हाइड्रोजन। ये मैंने सिर्फ ये वाला जो कार्बन, दो कार्बन है ना, यही लिखे हैं, बाकी इनके आगे नेक्स्ट बांड बने हुए हैं वो मैं नहीं लिख रहा। अब असल में हुआ क्या है कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये ऊपर वाला, इसने अपना ये डबल बांड जो लगा हुआ था ना, ये इसने यूज किया, इसने ये डबल बांड वाले इलेक्ट्रॉन निकाले और किसके साथ अटैच कर दिए? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ कैसे अटैच किए? इस कार्बन ने डॉट वाला इलेक्ट्रॉन अपना अपने पास रखा और नीचे वाले कार्बन का जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था ना वो उठा के आगे क्लोरीन को दे दिया। अब नीचे वाले कार्बन पे अगर आप देखें तो यहां पे एक बांड रह गया और बाकी इसके तीन बांड रह गए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके तीन बांड हैं, अब चार बांड नहीं है, हालांकि कार्बन चार बांड मस्ट बनाएगा, जरूर बनाएगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के नेक्स्ट क्लोरीन को इस कार्बन ने दे दिया, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बेंजीन रिंग स्टेबल है, लेकिन ये बेंजीन रिंग ही नहीं है, क्योंकि यहां पे छह पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये अनस्टेबल है। ये अपने आप को क्या करेगा? स्टेबल करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं हम, डीप्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इस स्टेप में क्या होगा? अब जो हमारे पास पॉजिटिव स्पीशी बन चुकी है, जो इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रही है, इसके ऊपर ये वाला जो FeCl4 नेगेटिव है, यहां पे ये बेस के तौर पे काम करेगा। बेस क्या करता है? सिर्फ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, निकालता है,
ये FeCl4 नेगेटिव इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, और ये जो प्रोटॉन है इसके पास क्या था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और ये वाला इस कार्बन का, तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहां से सिर्फ प्रोटॉन निकलेगा H प्लस की शक्ल में निकलेगा, लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉन पूरा है बांड वाला वो इधर आ जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास कि ये बेंजीन रिंग वैसे का वैसे आ गया, डबल बांड जो पहले जहां पे बने हुए थे वो वैसे ही रहेंगे, ऊपर एक क्लोरीन रह गया, ये क्लोरीन रह गया, लेकिन यहां से प्रोटॉन निकल गया है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डॉट वाला इस कार्बन का था इसके पास ही रहेगा, ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का था तो इस कार्बन ने ये क्रॉस वाला उठा के नीचे वाले कार्बन को दे दिया, जिसकी वजह से यहां पे डबल बांड दोबारा बन गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पैदा हुआ था, इस वजह से जब यहां से प्रोटॉन आएगा तो वो वाला इलेक्ट्रॉन की कमी भी पूरी हो जाएगी। अब यहां से Cl और यहां से H पॉजिटिव मिलके HCl बना देंगे, प्लस FeCl3 जो है वो दोबारा बन जाएगा। FeCl3 जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा था, इस वजह से लास्ट स्टेप में वो रीजनरेट हो गया, तो रीजनरेट होने की वजह से हम कहते हैं कि FeCl3 एज अ कैटलिस्ट ही काम कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि अगर बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हो तब रिएक्शन कैसे होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।